पिंकी का कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं रिया शुक्ला। हिचकी और निलबटा सन्नाटा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं रिया। नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी के जरिए रिया अपना टीवी डेब्यू कर रही हैं। हाल ही में शो का ग्रैंड लॉन्च हुआ जिसमें नाटी पिंकी की पूरी स्टार कास्ट शामिल हुई। पिंकी शो के लॉन्च के टाइम पर भी अपने चुलबुले और क्यूट कैरेक्टर में ही नजर आई। शो की कहानी कैसी है और इसमें कौन कौन से किरदार नजर आने वाले हैं, इसकी पूरी डिटेल पिंकी ने हमसे शेयर की। तो स्टोरी की बात आप कर रहे हैं, तो स्टोरी एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली है, ब्राह्मण फैमिली है, थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स किस्म की है, लेकिन एक मैसेज बहुत प्यारा सा जाता है। एक लड़की है जो कि अपने पापा से बहुत प्यार करती है और हमेशा चाहती है कि उसका परिवार एक संगठन में रहे, टूटे नहीं। तो उसको मैनेज कर किस तरह से वो कर रही है, किस तरह से वो एक एक चीज़ें पिरो रही है, तो उस पर ये बेसिकली शो है। दिस इज़ नॉट अ कॉमेडी शो, सबसे पहली बात ये है। ये आपको जितना हंसाएगी उतना ही रुलाएगी और उतना ही आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि हाँ, हमारे आसपास लोग कर क्या रहे हैं। टीवी की जानी मानी हस्ती भारती अचरेकर शो में पिंकी की दादी का कैरेक्टर प्ले करने जा रही हैं। दादी और पिंकी के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, इस पर दादी ने हमसे खुलकर बात की। रिश्ता हमारा बहुत प्यारा है, मतलब दोस्त ज़्यादा है, नाती कम है ये मेरी, और बहुत प्यार करती है, बहुत रिस्पेक्ट करती है, मैं जो बोलती हूँ वो सुनती है, और नोक झोंक बहुत है हम दोनों में। लाइट सीन्स भी हैं, रुलाने वाले सीन्स भी हैं, मतलब जो नॉर्मल फैमिली में होता है। पर दादियों का कैरेक्टर आजकल हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा है जो दोस्त होती हैं, तो हाँ टिपिकल दादी होती है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है मुझे करने में। और स्पेशली हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई है। हाँ। तो मैं रियल में भी बहुत प्यार करती हूँ, देखो, और ये रियल में भी मेरे लिए रागी के लड्डू लाती है। वैसे एक बात और बता देते हैं कि शो में पिंकी एक नहीं बल्कि दो दो लड़कों के साथ नजर आने वाली हैं। क्या पिंकी दोनों से इश्क फरमाएंगी या फिर पिंकी किसी और को निशाना बनाएंगी? तो क्योंकि मैं बीच में आ जाती हूँ ना, दोनों के बीच में रहूँगी, दोनों को अच्छा लगेगा। हाँ, तो बेसिकली ये है कि पिंकी के लिए दोनों ही बहुत खास है, लेकिन खास किस लिए है ये आपको 27 जनवरी रात 9:30 बजे देखना पड़ेगा, ये मैं सबसे बोल रही हूँ। हाँ, अब आगे बोलते हैं। हाँ, तो हाँ थोड़ा सा टाइट कर दो, बहुत तेज निकल गया। तो ये दोनों बहुत खास अहम हिस्सा हैं और उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा कि बेसिकली हिस्सा किस तरीके के हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। पुनीत जो कि शो में अर्जुन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, पहले भी नागिन 3 में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत चुके हैं। पुनीत का शो में क्या रोल होगा, चलिए जान लेते हैं। मेरा किरदार बड़ा ही थोड़ा सा सीरियस टाइप का है, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसके ऐसे फेसेस रहे हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा, मतलब उसके पास इमोशनल अवेलेबिलिटी कम है और अपने फैमिली पे ज़्यादा फोकस करता है, अपने बिजनेस पे फोकस करता है और इन्हीं सब चीज़ों में बिज़ी रखता है अपने आप को, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट ना हो इमोशनली। सो उस तरह का किरदार है, और फिर धीरे धीरे पिंकी की फैमिली से भी जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसी वो कोशिश करता है कि पिंकी को मोटिवेट कर सके। धीरज यानी कि गगन जो पिंकी की लाइफ में दूसरे अहम कैरेक्टर हैं, अब पिंकी और धीरज के बीच प्यार है या फिर ये रिश्ता कुछ और ही है, इसका जवाब जानना तो बनता ही है। मैं गगन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, अगर मैं कह रहा हूँ तो है। 27 जैन से मंडे टू फ्राइडे 9:30 बजे आपको देखना पड़ेगा, और ये स्टोरी बहुत ही मजेदार स्टोरी है। नाटी पिंकी ने अपने ही स्टाइल में फैंस को खास मैसेज भी दिया है। तो क्योंकि 27 जनवरी कुछ चंद पलों दूर है, तो पिंकी के भाषा में कहें तो गुल खिलते रहेंगे और कलियां मिलती रहेंगी। आजा ठीक है। कि गुल खिलते रहेंगे, कलियां मिलती रहेंगी, कत्ल मचा दिया। और खुदा ने चाहा तो E24 और हम यूं ही मिलते रहेंगे।